everyone, welcome to my channel Math Booster. Today we are going to do one more question of CSIR NET 2011. This is of subject peer analysis ka aapka question hai. To kya keh raha question mein, which of the following subset of R2 are convex? Aapko char options mein subset given hai R2 ke, to aapko inme se batana hai convex kya hota hai. सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए convex होता क्या है. convex set हम किसे कहेंगे? अगर कोई set given है, if you take any two arbitrary point from that set and join them by a straight line. अगर आप कोई दो arbitrary point उठाते हो और उनको straight line से join कर देते हो, तो वो जो straight line है, वो completely under in the set lie करनी चाहिए, set के अंदर होनी चाहिए वो. This is your convex set, definition of convex set. ठीक है? अगर आपको नोट convex का मैं अगर example हूँ, तो क्या होगा? अगर आपका set है, कोई इस type का set है, ठीक है? और मैंने point को लिया यहाँ से और एक point लिया यहाँ से और मैं इसको join करती हूँ, तो ये जो straight line है, ये set के अंदर तो completely lie नहीं करती है, तो ये क्या हुआ आपका set? Not convex. Okay, this is the difference between convex and not convex. ठीक है? तो अब चलते हैं हम अपने first point, first part पे, first option पे. That is आपको conditions given है एक x पे और एक y पे. This is tan. ओके, तो आपको पता है मोड की कंडीशन को आप एक्सपेंड करके कैसे लिख सकते हो, ये चीज लिख सकते हो. सिमिलरली हम जब वाई को एक्सपेंड करेंगे तो इसको कैसे लिखेंगे, इस तरह से. ठीक है, ये एक्स की कंडीशन है, ये वाई की कंडीशन है. और जब आप इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे, ग्राफ कैसे, ये क्या गिवन है, एक्स 5 और माइनस 5, 5 इधर आएगा इधर और माइनस 5 कहाँ आएगा, इधर जाएगा. सिमिलरली जब वाई को ड्रॉ करोगे तो एक बार क्या है वाई 10 गिवन है और एक बार क्या है y माइनस 10 गिवन है. तो जो आपका एरिया है कौन से वाला आएगा, क्योंकि आपका लेस देन इक्वल टू का साइन है, तो अंदर वाला एरिया क्या हो जाएगा, इंक्लूड हो जाएगा आपका ग्राफ में. अब इस जो एरिया है, इसमें अगर आप कोई भी दो पॉइंट आर्बिट्रेरी पॉइंट उठाते हो और उसको स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करते हो, तो वो क्या कर रहा है, रीजन के अंदर लाई कर रहा है, तो ये आपका सेट क्या हो जाएगा, कन्वेक्स. ओके, सेकेंड पॉइंट, सेकेंड पार्ट में मूव करते हैं आपका. सेकेंड पार्ट आपको क्या बोल रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू वन. यू कैन क्लियरली सी दैट दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल. सर्कल की इक्वेशन है जिसका सेंटर क्या है, ओरिजिन. ओरिजिन है और सर्कल है और आपकी रेडियस क्या गिवन है, वन. ठीक है, तो अगर आप इसको ड्रॉ करोगे तो आपको क्या आएगा, सिंपल सर्कल आएगा, सर्कल की बाउंड्री, क्योंकि सिर्फ आपको क्या गिवन है, इक्वल्स टू वन, मतलब रेडियस गिवन है आपको इक्वल्स टू वन, तो आपका ग्राफ क्या होगा, सिर्फ ये बाउंड्री होगी. अगर आपको इसकी जगह तो ये वाला साइन या फिर कुछ ऐसा गिवन होता, अगर ये वाला साइन गिवन होता तो आप क्या रहते, लेस देन, मतलब अंदर वाला प्लस बाउंड्री. और अगर आपको ये वाला साइन गिवन होता तो आप क्या लिखते, बाउंड्री प्लस बाहर वाला रीजन. तो अगर अब आपको क्या, सिर्फ सिंपली इक्वल्स टू वन गिवन है, तो आप क्या लोगे, सिर्फ बाउंड्री. ठीक है, ये सर्कल की बाउंड्री आपका ग्राफ है, जो भी ड्रॉ करना है आपको इस लाइन को. तो क्या करना है, यहाँ से मैंने एक पॉइंट लिया, यहाँ से एक पॉइंट लिया और इसको ज्वाइन किया स्ट्रेट लाइन से, ये क्या ग्राफ के अंदर लाई कर रहा है, क्योंकि ग्राफ तो सिर्फ हमारा क्या है, ये चीज है, सर्कल गिवन है आपका, पर ये जो स्ट्रेट लाइन हमने ड्रॉ की अंडर द रीजन लाई नहीं कर दिया, तो आपका सेट क्या हो जाएगा, नॉट कन्वेक्स. ओके, थर्ड पार्ट में मूव करते हैं. थर्ड पार्ट है आपका वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर. अब आपको पता है इसका ग्राफ किस टाइप का होता है. ठीक है, अब कई ज्यादातर बच्चों को कंफ्यूजन कहाँ आती है, हम एरिया कौन सा लें, तो उसके लिए टेस्ट पॉइंट लेने का मेथड होता है भी, आपको कौन सा आपका ग्राफ के अंडर लाई करेगा, रीजन ये वाला लाई करेगा या फिर ऊपर वाला आपका रीजन लाई करेगा, तो उसके लिए आपको क्या उठाना है, टेस्ट पॉइंट उठाना है. जैसे यहाँ पे कोई पॉइंट आएगा तो क्या होगा, 0 और 2, तो मैं जब 0 और 2 पॉइंट को इस इक्वेशन में पुट करूंगी तो क्या देगा, ये आएगा, ये सेटिस्फाइड है ना, 0 छोटा है 2 से, तो क्या हो गया, ये चीज आपकी सेटिस्फाई कर रही है इक्वेशन को, तो आपका एरिया अंडर ग्राफ क्या आएगा, ये वाला एरिया इंक्लूड होगा. ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप कोई पॉइंट उठा रहे हो यहाँ से और यहाँ से, आर्बिट्रेरी दो पॉइंट उठाए और उसको स्ट्रेट लाइन से मैंने ज्वाइन कर दिया, तो ये क्या कर रहा है, ग्राफ के अंडर लाइन कर रहा है, तो दिस वन इज योर कन्वेक्स सेट. ओके,
फोर्थ जो आपका पार्ट है वो भी सिमिलर सा ही है आपका, इसी टाइप से है, बस आपका साइन चेंज कर दिया गया है। क्या है आपका? ये वाला साइन लगा दिया। अब ग्राफ तो वही जाएगा। जो आपका थर्ड पार्ट था आपने उसमें क्या दिया था? जीरो और टू। अब मैं अगर यही टेस्ट पॉइंट उठा के चलूँ, ठीक है, अब मैं अगर ये टेस्ट पॉइंट मैंने लिया तो आपका क्या आएगा? ये तो क्या जीरो टू छोटा है जीरो से? नहीं कर रहा सेटिस्फाई, मतलब आपका जाहिर की बात है भी आपका एरिया कौन सा आएगा? आउटसाइड दिस कर्व, ठीक है, ये इंक्लूड किया जाएगा। और अगर आपको ये वाला तो हमने पिछले पार्ट से उठाया हुआ है, अगर मैं यहाँ से कोई पॉइंट उठा के देखूँ, जैसे जीरो हो गया माइनस टू, जब मैं इसको पुट करूंगी तो क्या होगा? जीरो एंड दिस वन इज माइनस टू, तो माइनस टू छोटा है जीरो से, तो आपका सेटिस्फाई कर गया, तो मतलब ये वाला रीजन आपका आएगा। और इस रीजन में मैं अगर यहाँ से पॉइंट उठाया मैंने कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट को, सिमिलरली यहाँ से उठाया और मैं उसको ज्वाइन करूँ स्ट्रेट लाइन से, तो वो क्या कर रहा है? रीजन के अंदर लाइन नहीं कर रहा है, तो ये क्या हो गया? नॉट कन्वेक्स। ओके, तो आपका फर्स्ट जो आपका ऑप्शन है दिस वन इज करेक्ट बिकॉज दिस इज कन्वेक्स, एंड सेकेंड वन इज नॉट कन्वेक्स, तो ये कट जाएगा। थर्ड वन इज कन्वेक्स एंड फोर्थ वन इज नॉट कन्वेक्स। This is your question of real analysis. In next video, we will discuss one more question. Thank you. Have a nice day.